टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर 8000 रुपीस। तो दोस्तों, अगर आप भी आज इस प्राइस पॉइंट में एक अच्छा सा बेहतरीन प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए एक परफेक्ट फोन चाहते हैं जहां पर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशंस मिले, दमदार फीचर्स हो, पावरफुल प्रोसेसर हो, लंबी चलने वाली बैटरी और तो और तगड़े कैमरास, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर उन यूजर्स की जो कि स्टॉक यूएस चाहते हैं, साथ में उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए और तो और एक अच्छे ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन लेना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G24 पावर। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा। हालांकि आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग दी गई है तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। साथ ही ये फोन 9mm की थिकनेस और 197 ग्राम्स का है। सो देखा जाए तो फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल जाती है और हाँ दोस्तों, इन हैंड में भी फोन काफी अच्छा रहता है। तो चलिए बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर 6.56 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल लगी हुई है जो कि यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आती है और यहाँ पर आपको 537 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलता है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाती है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात यहाँ पर इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह अच्छी निकल कर आती है और आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से कुछ नए अपडेट्स भी देखने को मिले जहाँ पर आपको पंचर कलर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा यानी कि 12nm बेस MediaTek Helio G85 चिपसेट के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है जो कि अराउंड आपको यहाँ पर 2 से 2.25 लाख के आसपास Antutu स्कोर निकाल कर देता है। वैसे गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU दिया गया जो कि आपको मीडियम लेवल की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको मिलेगा। सो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है और जो कि 30 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर 1.5 से 2 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए अब कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर लें। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है और अच्छी बात यह कि आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है जहाँ पर आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट दिया गया है। तो भाई कंटेंट वॉचिंग के लिए यहाँ पर ऑडियो आउटपुट काफी कमाल की है, ये अच्छी बात है। इन सभी के अलावा ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा और दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है और यहाँ पर आपको 3 साल के गारंटीड सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी प्रॉमिसिंग फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज आपको मिलती है जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 8,999 रुपए। तो 9,000 में देखेंगे तो अच्छी डील है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रेडमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रेडमी का 13C। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के काफी अच्छे दिए गए हैं। ये फोन 192 ग्राम्स और 8.1mm की थिकनेस के साथ में आता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.7 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल जो कि 600 नीट्स तक की ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट के साथ में आती है। सो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है दोस्तों प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी मिलती है। बात करें अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो लेंस दिया गया है। वैसे आपको यहाँ पर एक छोटा सा डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रंट की, फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात इमेज आउटपुट की, तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी दिए गए।
रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 fps। चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 का चिपसेट, जो कि आता है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। और गेमिंग के लिए आपको मिलता है एम वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU। देखा जाए दोस्तों, तो ये चिपसेट आपको यहाँ पर डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर इजिली नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और साथ ही आपको डेली टास्क वगैरह में भी कोई इशू नहीं आने वाले। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UMC 5.1 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस फोन की यहाँ पर आपको डिसेंट मिलने वाली है। बात कर ले अब यहाँ पर पावर हाउस की, तो बैक साइड के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके आउटपुट भी आपको यहाँ पर थोड़े से डिसेंट ही देखने को मिलेंगे। रही बात यहाँ पर कार्ड स्लॉट की, तो आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14 पर, तो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो और दोस्तों लिस्ट का अगला स्मार्टफोन भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, और ये स्मार्टफोन यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी A05 की। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और बात करें फोन की, तो ये फोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये फोन 8.8mm की थिकनेस और 195 grams के साथ में आता है, तो देखा जाए तो ज्यादा मोटा और ज्यादा बल्कि भी नहीं है, तो इनहैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक HD+ वाली PLS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 500 निट्स की ब्राइटनेस, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश के साथ में आता है, लेकिन आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह अच्छे देखने को मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छा दिया गया, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक दिया गया है, डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती है, और हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12nm बेस MediaTek Helio G85 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है आम वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये काफी पुराना चिपसेट है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस अच्छी निकाल कर देता है, डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। अंतत की बात करें तो ये स्मार्टफोन लगभग 2,12,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ, यहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम और UMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, और दोस्तों ये फोन 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर देखने को नहीं मिलेगा, इसको आपको अलग से परचेस करना होगा। बट ओवरऑल देखेंगे तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, तो इसमें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है 3.5mm का हेडफोन जैक, साथ ही आपको यहाँ पर सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है, तो ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और रही बात दोस्तों यूजर इंटरफेस की, तो स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 13 पर, जहाँ पर आपको MIUI का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस है वो तो काफी अच्छा है, तो यहाँ पर आपको उससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड 14 होता तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 और 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्मार्टफोन को सैमसंग के ऑफिशियल शॉप से परचेस करते हैं, तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको काफी इफेक्टिव प्राइस पर मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ और 7,999 रुपए की कीमत पर, जहाँ पर आपको 4GB की रैम और 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी मिल जाएगी। सो देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है सैमसंग की तरफ से, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट में एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपको नॉन चाइनीज के तौर पर 5G चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं लावा का ब्लेज 5G अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है आता है, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब यहां पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की एक HD+ की IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है,
और अप टू 500 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है, तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और एक VGA सेंसर आपको मिलेगा। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फ्रंट में आपको यहाँ पर LED फ्लैश भी मिल जाता है और आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 2K रेजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वैसे कैमरा के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्यूटी, HDR, नाइट, पोर्ट्रेट, मैक्रो वगैरह। तो आपको यहाँ पर भर भर के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ पर आउटपुट की बात है तो डिसेंट आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 700 का चिपसेट, और बजट के अंदर आने वाला ये एक काफी अच्छा चिपसेट है जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देता है और आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराता है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। अंततः की बात करें तो ये स्मार्टफोन 3.75 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आती। वैसे इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की अच्छे साइज की बैटरी भी मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप दे देती है। साथ ही में ये फोन टाइप सी वाली पोर्ट के साथ में आता है और 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया। सो फोन का बैकअप भी अच्छा है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है और गारंटीड आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। सो नॉन चाइनीज के तौर पर ये एक काफी अच्छा 5G फोन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 8999 रुपए। पर दोस्तों अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं या फिर बैंक ऑफर्स लगा सकते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक और काफी कमाल का फोन है, और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर पोको का M6 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट देखा जाए तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी अच्छे मिलते हैं। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ फोन 8.1 mm की थिकनेस और अराउंड 200 grams के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.74 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 600 nits तक की पीक ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप ठीक ठाक है और आपको यहाँ पर इमेजेस थोड़ी सी डिसेंट टाइप की मिलती है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा देखा जाए तो यहाँ पर अब वो एवरेज है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। साथ ही आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए मिलता है आर्म वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, और अच्छी बात ये है दोस्तों कि स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको फोन के अंदर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। आप यहाँ पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसके आउटपुट आपको थोड़े से डिसेंट मिलेंगे, और साथ ही साथ ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात करें यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14। जी हाँ, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 14 का अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन दोनों ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4/64 के लिए इस समय आपको देने होंगे 8999 रुपए। पर दोस्तों बैंक ऑफर्स पर ये स्मार्टफोन इजीली आपको 8000 रुपए के अंदर मिल रहा है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्शन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G। बात की जाए फोन की तो ये स्मार्टफोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में तो काफी अच्छा देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको PMMA मटेरियल दिया गया है जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, और इसी के साथ में ये फोन 7.8mm की थिकनेस और 185 grams के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर अच्छी है, और डिजाइन में भी फोन यहाँ पर काफी अच्छा दिखता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD पैनल और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ 500 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोटी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे होंगे, बट काम का यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंसर है और वो है मेन कैमरा, जो कि आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और ये सेंसर है यहाँ पर सोनी का IMX582। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और तीसरा यहाँ पर एक AI लेंस है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और रही बात कैमरा आउटपुट की, तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, अंततः पर यह स्मार्टफोन लगभग 4,27,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है आम वाले G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यह भी दावा किया है कि 5 साल तक आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर ही बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। और रही बात एडवांस फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल मोनो स्पीकर्स के साथ में आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, दोस्तों यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 पर, हालांकि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्मार्टफोन का जो OS है ये पहले से काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपये, बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली आपको 8,500 रुपये की कीमत पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी डील है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा।